नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डील किया अबाउट द चैप्टर वन ऑफ वॉल्यूम टू, इस चैप्टर में हम डील करेंगे इस लेक्चर में चैप्टर टू ऑफ वॉल्यूम टू, जिसका नाम है फिस्कल डेवलपमेंट्स। दोस्तों देखिए, फिस्कल डेवलपमेंट्स में हम सारी चीजें जरूर डील करेंगे, मगर उसके पहले हमको ये समझने की जरूरत है दोस्त कि फिस्कल डेवलपमेंट्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है दोस्त, ये जो चैप्टर है, ये डील करने वाला है सारे फाइनेंशियल पार्ट से जो कि हमारी सरकार बजट के थ्रू रखती है। तो इसी कारण से आपको इस चैप्टर को समझने के पहले जो मैं आपके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और टर्म्स लेके आया हूं, आपको वो समझने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले तो बजट, जैसा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो बजट होता है इसको कंसिडर किया जाता है दोस्त मनी बिल। अब ये क्योंकि मनी बिल है तो हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल टच है, मगर ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से राज्यसभा जो है उसके पास बहुत कम पावर है रिगार्डिंग द बजट। क्यों? क्योंकि ये मनी बिल है, वो पास करे चाहे ना करे वो पास हो जाएगा। उसी के बाद में दोस्तों प्रेसिडेंट जो है, आर्टिकल 112 से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, जो कि है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि आप बजट के नाम से जानते हो। ये जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, वो हर फाइनेंशियल ईयर में, दोस्तों देखिए यहां पे एक डिफरेंस होता है फाइनेंशियल ईयर में और आपके फिस्कल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपका फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, ये पार्लियामेंट के सामने ये बजट जो है इनके नाम से पेश किया जाता है। वहीं आर्टिकल 265 और 266 जो है दोस्तों, ये भी हमको बजट से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 265, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बोलता है कि कोई भी टैक्स जो है वो ना तो लगाया जा सकता है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड, या कलेक्ट किया जा सकता है और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जस्ट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। वही आर्टिकल 266 डील करता है कि नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द अथोराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर की परमिशन के बिना कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता। ये कुछ बेसिक बातें थी बजट के बारे में। बात करते हैं कुछ अकाउंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे यहां पे तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आता है आर्टिकल 266 ऑफ क्लॉज 1 में। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये आपका सवाल है। जवाब है टैक्स रेवेन्यू जैसे कि जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल्स आपको आई होप पता होगा, जैसे कि जो सरकार ट्रेजरी बिल्स अपने रख देती है, आरबीआई से पैसा ले लेती है, ठीक है। उसी के बाद में जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के थ्रू, ठीक है, पैसा लिया जाता है वो निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दूसरा जो है दोस्तों पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है, आता है 266 क्लॉज 2 में, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सारा पब्लिक का मनी जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को छोड़ के जाएंगे या डालेंगे वो कहां जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पे अथोराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है पार्लियामेंट से, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब आप समझे क्या है कि एग्जीक्यूटिव, मतलब कि मोदी जी डायरेक्ट इसको स्पेंड कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर करंट गवर्नमेंट, ठीक है। बात करते हैं कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का तो मतलब ही इमरजेंसी होता है दोस्त। तो आर्टिकल 267 जो है वो बताता है कंटिंजेंसी फंड के बारे में। अब क्योंकि इमरजेंसी फंड है तो आप इसको यूज ना करोगे ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशंस में, इसी कारण से देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज यूज फॉर कंटिंजेंसी सिचुएशंस। यहां पे उल्टा होता है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या पड़ा कि आप पहले मंजूरी लोगे, पार्लियामेंट्री अप्रूवल पहले, कंटिंजेंसी फंड में पोस्ट अप्रूवल लिया जाता है पार्लियामेंट का, ठीक है। इसका कॉर्पस है 500 करोड़। अब इस 500 करोड़ से आप ऐसा मत समझिएगा कि फ्लड में तो 1000 करोड़ रुपए तो यूं ही दे देती है हमारी सरकार, ठीक है। वो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ऐसे बहुत से इमरजेंसी फंड्स हैं हमारे यहां। तो अब ये तो हमने बात कर ली बजट के बारे में, अब बात करते हैं कुछ अकाउंट्स के बारे में। बात करते हैं बजट जो है वो पार्लियामेंट में
कैसे आता है, कैसे प्रेजेंट होता है, छोटा सा ब्रीफ। जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, प्रेजेंट कौन करेगा दोस्त? प्रेसिडेंट साहब। उसके बाद क्या होता है? जनरल डिस्कशन होता है। कहां पे? दोनों ही हाउसेस में। मगर ध्यान रखिएगा, जब भी यहां पे दोनों हाउसेस में जनरल डिस्कशन होगा, यहां पे कोई भी कट मोशन नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो ये जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज में। डिपार्टमेंटल कमिटीज इस बिल को पढ़ती हैं, इस बिल को समझती हैं, उसकी प्रॉपर स्क्रूटिनी करती हैं और उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट करती हैं टू बोथ द हाउसेस। अब जैसा मैंने बताया था दोस्त कि प्रायर अप्रूवल लगता है, हमने बात करी थी ना ऊपर, ये आ गया वो प्रायर अप्रूवल जहां पे वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होगा। ठीक है, अब जैसा आपको पता है राज्यसभा की जरूरत ही नहीं है तो राज्यसभा के पास वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, इसी के बाद में जो कट मोशन है, कट मोशंस कैन बी पास्ड, यहां पे पास हो सकते हैं और फिर फाइनली इनैक्ट हो जाता है हमारा फाइनेंस बिल। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी प्रोसीजर चलती है और इसी कारण से जब भी आप कुछ चेंजेस देखते हो, क्योंकि आपको यहां पर डाउट हो रहा होगा फाइनेंस बिल क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, जब भी आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप हमेशा पढ़ोगे चेंजेस मेक इन द फिनांस एक्ट। ठीक है, फिनांस एक्ट, तो इसी कारण से जब पूरा बजट बन जाता है इसको फिनांस बिल ही बोलते हैं। तो ये बात थी हमारी बजट इनसाइड द पार्लियामेंट में। तो अब दोस्तों बात करते हैं अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बजट में जो दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला होगा रेवेन्यू, दूसरा होगा कैपिटल। अगेन रेवेन्यू में दो तरीके के होते हैं, पैसा आना पैसा जाना, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। कैपिटल में अगेन दो पार्ट होते हैं, रिसिप्ट पैसा आना, एक्सपेंडिचर पैसा जाना। अब रिसिप्ट में क्या आते हैं, मैं ये भी बता चुका हूं आपको पहले कि टैक्स और नॉन टैक्स वाले पार्ट होते हैं। एक्सपेंडिचर कहां पे होता है मेजरली? इंटरेस्ट, ग्रांट्स, सब्सिडीज, डिफेंस, लेक्चर में बात कर चुके हैं पहले वाले। जो कैपिटल होता है, कैपिटल में अगेन दो पार्ट होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। कहां पे कैसे चीज चलती है, सारी बातें हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, मगर क्योंकि बजट पढ़ रहे हैं इसलिए अगेन ये स्लाइड यहां पे लगाना ये और आपको समझाना जरूरी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड आर्टिकल्स यहां पे मेंशन है, जैसे आर्टिकल 265 डील करता है फाइनेंस बिल टू कलेक्ट टैक्स और आर्टिकल 266 डील करता है अप्रोप्रिएशन बिल टू चार्ज अपॉन, ये क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये समझना था। बात करते हैं इस स्लाइड में, जो कि इसकी सेकंड लेयर खोलने जा रहा हूं मैं, बात करते हैं अब सिर्फ रेवेन्यू पार्ट की। रेवेन्यू पार्ट में अगेन रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। बात करते हैं रिसिप्ट्स पार्ट में। रिसिप्ट्स में आती है अगेन दो चीजें, टैक्स रिसिप्ट्स, सेकेंडली नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अगेन तीसरी लेयर खोलते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में अगेन दो चीजें आएंगी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब खोलते हैं फोर्थ लेयर, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे आपका इनकम टैक्स, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो कि अभी कम कर दिया निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको तो हटा ही दिया। ठीक है, अगेन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स टैक्स रिसिप्ट, टैक्स में दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट में आएगा ऑब्वियसली जीएसटी जिसने सारे टैक्सेस को लगभग खत्म कर दिया। दूसरा एक्साइज ऑन, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको मिलेंगी क्योंकि मैंने खुद ने टाइप किया आपके लिए, एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड अल्कोहल, साथ ही साथ कस्टम, ये सब आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इसकी एक फोर्थ लेयर खत्म हो गई। अब आते हैं इसकी दूसरी लेयर पे, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स पे। टैक्स वाली पढ़ ली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में पढ़ लिया, इनडायरेक्ट में तीन पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आ रहे हैं हम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में। देखिए दोस्तों, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे आपका सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है, डिविडेंड्स या फिर प्रॉफिट्स, उसी के बाद में जो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है गवर्नमेंट, जो ग्रांट्स ले रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपका सवाल आ रहा होगा ये सेलिंग गुड्स एंड सर्विस क्या है? दोस्त पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो काम करती है तो उससे क्या करते हो आप? गुड्स एंड सर्विसेज तो सेल करते हो। अब बात आती है डिविडेंड्स। अरे दोस्त, जब आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो आपका मेजोरिटी स्टेक है पीएसयू में वो किसका है? गवर्नमेंट का। तो जो डिविडेंड्स है वो कौन लेगा? गवर्नमेंट भी तो लेगी, और प्रॉफिट्स ऑब्वियसली। इस तरीके से आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम उसको और आगे फर्दर लेक्चर्स में बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ लिया, रेवेन्यू पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कहां से करा था, बजट के रेवेन्यू और कैपिटल से सबसे पहला पार्ट उठाया हुआ है हमने रेवेन्यू, रेवेन्यू में हमने रिसिप्ट उठाया हुआ है, रिसिप्ट में हमने दो चीजें पढ़ी, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कंप्लीट कर लिया, नॉन टैक्स में हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आ चुके हैं हम रेवेन्यू के कि खर्चा कहां कर रहे हो दोस्त रेवेन्यू का। ठीक है, जो स्टेट का शेयर है और जो ग्रांट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसमें आता है, एक्सपेंडिचर में। आपको ध्यान होगा 42% डिवोल्यूशन, 15 फाइनेंस कमीशन, राइट। क्या है ये, अब स्टेट्स को कितना शेयर देने देने की बात हो गई है, 15 फाइनेंस कमीशन ने 42% पैसा दो आप सेंटर को बोला। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट है, मान लो कोई लोन लिया हुआ है, कोई क्या बहुत सारे लोन लिए हुए हैं उनका इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तीसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और उसके बाद में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपके लिए अरेंज किया है ना, ये वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिस ऑर्डर में इनका प्रपोर्शन है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा इसमें, उससे कम खर्चा इसमें, उससे कम खर्चा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, इस कारण से मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया था। अब दोस्तों एक बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स से, मैंने बहुत बार देखा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर जब भी आए तो याद रखना कि 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन करेगा, सेंटर। ठीक है, क्योंकि सेंटर का सेक्टर स्पेसिफिक है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ स्पॉन्सरशिप दी है, जैसे पार्टीज में होता है ना कि जब हम फेस्ट अरेंज करते हैं तो स्पॉन्सरशिप लेने जाते हैं तो कुछ पैसा देते हैं, पूरा फेस्ट तो अरेंज कर नहीं देती कंपनी। ठीक है, तो क्या समझे हम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जब आएगी तो 100% सेंटर और यहां पे कुछ प्रपोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो मैं इसको आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक और चीज बता देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बताता हूं। जैसे आपने भारत नेट का नाम सुना होगा, वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपने नमामि गंगे का नाम सुना होगा, वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सुनी होंगी बहुत सारी, ठीक है, प्रधानमंत्री जो की जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसी के बाद में रिकैपिटलाइजेशन जो हो रहा है किसमें, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये भी अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में आता है। एलपीजी सब्सिडीज जो आप दे रहे हो, उज्ज्वला योजना, ठीक है, ये भी उसके अंदर आता है। मेट्रो प्रोजेक्ट, मुद्रा योजना, सारे जो है किसमें आ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब आपका सवाल होगा कि इसके एग्जाम्पल बताओ, तो लीजिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मगर इसके एग्जाम्पल देखने से पहले इसको भी दो पार्ट में चलो डिवाइड करते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है दोस्त, वो होती है कोर ऑफ द कोर, ठीक है, और दूसरा सिर्फ कोर स्कीम। अब आपका सवाल होगा कि अब इसके भी एग्जाम्पल दो, तो चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोर स्कीम में आप मान लीजिए आपका नेशनल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत, ठीक है, और कोर ऑफ द कोर स्कीम में आप मान लीजिए महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें पढ़ ली और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जहां पे हमारी सरकार खर्चा कर रही है, आखिरी में डिफेंस और उसके आखिरी में सब्सिडी। अच्छा चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली फिगर क्या है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि डिफेंस पे हमारा अप्रोक्सीमेटली सरकार कितना खर्चा करती है। ठीक है, हम सब मिलकर इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटल पार्ट में, क्योंकि रेवेन्यू पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल पार्ट में अगेन जैसा मैंने आपको बताया, दो चीजें होती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में क्या आता है, रिसिप्ट में दो तरीके से होता है दोस्तों, एक जिसमें आप कर्जा ले लेते हो, कर्जा जिसमें दूसरे में कर्जा नहीं होता, मतलब कि डेट क्रिएट करते हो रिसिप्ट में एक तरीके से, दूसरे तरीके में कोई डेट क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, अब जहां पे कर्जा हो रहा है ये कौन सी तरीके की रिसिप्ट होगी, ये वो होगी कि आप लोन ले लो, ठीक है, या तो इंटरनल सोर्सेस से या एक्सटर्नल सोर्सेस से। अब ऐसी क्या चीज है जिसमें डेट मतलब कर्ज नहीं हो रहा है, तो जो आपने लोन्स दिए हैं वो जब रिकवर होते हैं तो वो इस तरीके की नॉन डेट रिसिप्ट्स में आते हैं। ठीक है, वहीं जो डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, जब सरकार पीएसयू में अपने स्टेक बेचेगी तो वो किस में आते हैं, नॉन डेट, क्योंकि कोई कर्जा तो हो ही नहीं रहा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना तो आप कैपिटल क्रिएट करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, इससे फर्दर जो आपकी इकोनॉमी है वो रिवाइव होती है।
अब अगर आपने मेरा पिछले वाला लेक्चर में रेवेन्यू डेफिसिट जो मैंने समझाया था और जो मैंने उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि क्यों हम उसको जीरो की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रेवेन्यू का डेफिसिट जो हो रहा है वो सारा डेफिसिट हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग जाए, तो ये हम अच्छी चीज मानते हैं। और क्यों मानते हैं अब आप समझे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोन देती है सरकार वो भी एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। लोन किसको देगी दोस्त, स्टेट को भी दे सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो सर्कल दिख रहे हैं इनको भी समझाऊंगा, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इकोनॉमी का, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां पे जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि पैसा कहां से आ रहा है। जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे आपको मैक्सिमम शेयर कहां पे दिख रहा है दोस्त, अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, कहां पे दिख रहा है? ऑफ कोर्स कहां पे, जीएसटी में, क्योंकि यहीं से आप सबसे ज्यादा उठा रहे हो। मगर उसी के साथ देखो यहां पे भी एक कॉरपोरेशन टैक्स बैठा है, ठीक है। इसी कारण से हमारा कॉरपोरेशन टैक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है, और जब इस पे टैक्स लगा देती है निर्मला सीतारमण जी, तो एक कैपिटल फ्लाइट देखने को मिलती है, लोग पैसा खींचना चालू कर देते हैं। 4 वीक में आपको पता होगा 20,000 करोड़ रुपए हमारे एफआईएस ने निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यहां पे ये चीज समझाने की जरूरत नहीं थी, मगर क्योंकि मुझे करंट का भी रिलेट आपको करना, मेरे को लगा अच्छा लगेगा, इस कारण से मैंने आपको चीज बताई। तो जीएसटी का प्रपोर्शन 18%, कॉरपोरेट टैक्स 18%, इनकम टैक्स 17%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10%। आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू और ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, अभी आप सिर्फ देखिए पैसा कहां से आता है। कस्टम से आता है 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आता है 6%, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से आता है 20%। अब ये सर्कल क्यों बनाए हुए हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों जो पार्ट हैं ये आते हैं हमारे कैपिटल के पार्ट में, ठीक है। जैसा हमने बात करी थी, क्या दो पार्ट में बात करी थी, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, ठीक है। ये दोनों जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, जैसा कि ये तो नाम से समझ में आ रहा है, ये दोनों किसके पार्ट है, कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के। दूसरा जवाब, पैसा कहां जाता है? अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो सर्कल है दोस्तों ये कैपिटल अकाउंट नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाली स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में जो ये दो सर्कल हैं ये कैपिटल अकाउंट शो कर रहे हैं, इस स्लाइड में ये जो सर्कल्स हैं ये कैपिटल अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं। तो पैसा कहां जाता है, यहां पे सिर्फ इस पे फोकस रखिएगा। सबसे ज्यादा पैसा कहां जाना चाहिए आप सोचिए, ऑब्वियसली जो स्टेट का शेयर है टैक्सेस और ड्यूटीज में, उनको दोगे ना, तो दे दिया 20%, उसके बाद अब आप सब ले लो। और जैसा हम जानते हैं कि इंटरेस्ट बहुत भरना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट 18%, डिफेंस में 8%, ये आपको जवाब मिल गया, सब्सिडी 6%, पेंशन 6%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 13%, आई होप इसका भी जवाब आपको पता है, आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर जो करती है ये 10%। तो पैसा यहां से आता है और पैसा यहां पे जाता है। ये आपके लिए कुछ मैंने मिनिस्ट्री से साइट्स उठा के डाली हैं ताकि आप समझ पाओ ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है। देखिए यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये टैक्स आ गया, ये नॉन टैक्स आ गया, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में देखिए आप यहां पे बहुत सारी वेल्थ टैक्स, कस्टम्स, कॉरपोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जीएसटी जैसी आपको चीजें दिख रही होंगी। उसी के बाद में नॉन टैक्स में क्या दिख रहा है दोस्तों, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, यही सब चीजें हमने पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। वही देखिए यहां पे, ये आपके लिए दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें हमने क्या पढ़ी थी, दो चीजें, नॉन डेट और डेट। नॉन डेट में क्या क्या पढ़ा था, जो रिकवरीज होती है लोन्स की, एडवांसेस की, और डेट रिसिप्ट में क्या पढ़ा था, जो मार्केट लोन्स आते हैं, मार्केट लोन्स फॉर हम रीपेमेंट लिए। तो इस तरीके से ये जो ट्रेजरी बिल्स की बोरोइंग है, एक्सटर्नल लोन है, यही सब पढ़ा था हमने डेट रिसिप्ट्स में। देखिए ये सब यहां पे दिया हुआ है, तो इसको आप चाहें तो रोक के दोस्तों देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री की साइड से मैंने चीजें ली हैं। इसी के बाद में समरी ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों देखिए अगेन, इस कारण से बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप मिनिस्ट्री की साइट विजिट करोगे ना, और आपने अगर फर्स्ट लेक्चर विजिट कर लिया है, तो आपके लिए अब एक कपकेक है, ठीक है। कैसे, एक्चुअल आपको मतलब पता होगा, बजट एस्टिमेट आपको मतलब पता होगा, रिवाइज एस्टिमेट आपको मतलब पता होगा, कितना आसान बन गया, राइट। तो इस तरीके से आपने ये चीज कंप्लीट कर ली। और जैसा कि अगर आपने फर्स्ट स्लाइड में नहीं देखा तो आप यहां पे जरूर पढ़िए, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। डाटा सेट्स 3 तरीके से होते हैं, एक होता है बजट एस्टीमेट, जिसको कि एडवांस एस्टीमेट भी बोलते हैं, एडवांस के नाम से ही समझ में आ गया कि ये नेक्स्ट ईयर का बताएगा। प्रोविजनल एस्टीमेट्स,
ठीक है, प्रोविजनल मतलब लास्ट ईयर होता है, और रिवाइज जिसको कि एक्चुअली बोलते हैं ये होता है लास्ट टू लास्ट ईयर का डाटा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जैसा कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं डेफिसिट्स मिसमैच के बारे में, डेफिसिट्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसा यहां पे आपको दिख रहा है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और मोनिटाइज डेफिसिट। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मगर अगेन क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट था डेफिसिट पढ़ाना, मैं क्योंकि आपको आगे वाले ग्राफ शो करूंगा जो इस सेकेंड चैप्टर में फिस्कल डेवलपमेंट्स में आए हैं, जो अगेन इन तरीके के डेफिसिट से डील कर रहा है। इन सबको मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही इलेबोरेटली समझा चुका हूं, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपने ये चीज जो बताई इसका इंप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा जिसकी इंडिविजुअल की जो भी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो पिछली स्लाइड में बात नहीं करी थी क्योंकि वहां सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में, ये है क्या। इतने सारे डेफिसिट पढ़ लिए, फिस्कल, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है क्या। ठीक है, तो दोस्तों बजट में क्या होता है कि कुछ पैसा होता है हमारे पास जो कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, बट एज वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी हम ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, हमारे बजट से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिसको बजटरी डेफिसिट या फिर फिस्कल डेफिसिट बोलते हो फाइनेंसिंग के टर्म्स में। अब प्लानिंग कमीशन जो है वो उसको कैसे डिफाइन करती थी, द डायरेक्ट एडिशन टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर थ्रू बजट डेफिसिट। आप बजट डेफिसिट में जो ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर करेंगे जो कि डायरेक्टली ऐड करेगा आपके ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर में, इसको आप बोलोगे क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये जो डेफिसिट है ये अगेन दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है कैपिटल डेफिसिट और एक होती है सकती रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू आपकी डेफिसिट, ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया है। और ये जरूरी क्यों है, ये एक मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट आज भी है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जैसे ऐसा हो सकता है ना कि जितने पैसे उतना खर्चा करो, मगर जैसा मैंने आपको बताया कि वेलफेयर सोसाइटी है तो डेफिसिट जो है ये इनएविटेबल हो जाता है। ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं डेफिसिट के बारे में। ये तो हमने देख लिया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, वेलफेयर सोसाइटी है, मगर दोस्त इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी में, इसलिए हम इतनी इस पे बात कर रहे हैं। जब आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हो तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा मार, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको मिलता है, सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी इनकम तो बढ़ती नहीं है मगर उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, किसको परचेस करने के लिए, कोई भी गुड्स या सर्विसेज। इस तरीके से अब क्योंकि गुड्स के परचेस करने के लिए दोस्त ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली एवरेज कंजम्पशन जो है वो कम होगा। ठीक है, अब बताओ मुझे कि जब गुड्स ही कम खरीद रहे हो आप तो क्या सेव कर पा रहे हो उस टाइम पे, सोच के देखो, बिल्कुल भी नहीं, तो सेविंग क्या होगी, कम होगी। अब दोस्त जब सेविंग ही नहीं कर पा रहे हो, आप जो गुड्स पहले खरीदते थे इन्फ्लेशन के कारण वो नहीं खरीद पा रहे हो, तो क्या आप इन्वेस्ट कर पाओगे दूसरी जगह, बिल्कुल नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। और साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको हर चीज के भाव बढ़ा देगा, हो सकता है आपको कई तरह से लोन लेना पड़े, इस कारण से आपकी जो सरकार की लायबिलिटी है कि निचले स्तर को ज्यादा फर्क ना पड़े इन्फ्लेशन बड़े होने का, वो अपनी जो न्यूट्रिशन लेवल है जो भी है उनकी जरूरत है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वो मेंटेन कर पाए, तो लायबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी, हमारी सरकार की। अगेन आंसर इज बिकॉज वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी। तो जो मेथड्स है डेफिसिट फाइनेंसिंग की वो क्या होती है, हमको ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग हम एक्सटर्नल सोर्सेस से भी करते हैं और इंटरनल सोर्सेस से भी करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि एक्सटर्नल सोर्सेस से कैसे करते हैं, तो दोस्त जैसा आपने मान लो ग्रांट्स ली, ठीक है, या लॉन्ग टर्म सॉफ्ट बोरिंग। अब सॉफ्ट क्यों बोलते हैं इसको, सबसे पहले तो सुनो, बहुत मजेदार बात है, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट जो रहते हैं ना दोस्त वो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जब सॉफ्ट बोरिंग करते हैं किसके थ्रू, IMF से जब हम पैसा ले लेते हैं ना, तो उसको हम सॉफ्ट बोरिंग बोलते हैं। अब ये देखो आप कि इंटरेस्ट रेट देख रहे हो इसलिए सॉफ्ट बोल दिया, अब मैं इसका हार्ड पार्ट बताता हूं। ठीक है, क्योंकि जब भी IMF से पैसा लेते हो, जब 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे लिया, तो पता है ये लोग क्या लगाते हैं, आप पे लगाते हैं कंडीशनलिटीज। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, बताओ क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 1991 क्राइसिस में दोस्त क्या हुआ था, हम पे कंडीशनलिटीज लगाई, आपकी इकोनॉमी को ओपन करो हमको करना पड़ा,
आपका जो लिबरलाइजेशन है उसको बढ़ाओ, हमको करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ो, हमको बढ़ना पड़ा। तो इसको बोलते जरूर लॉन्ग टर्म सॉफ्ट बोरिंग है, मगर ये आपको बहुत हार्ड पड़ती है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेस में दोस्त दूसरा जो आता है वो आता है कमर्शियल बोरिंग। अब कमर्शियल बोरिंग क्या है? कमर्शियल बोरिंग जैसा कि आप किसी भी दूसरे जगह से जो कमर्शियली डील करते हैं उनसे अगर आप पैसा ले रहे हो बाय क्राउडिंग आउट, जो कि आपकी सॉवरेनिटी को भी लॉस कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी देश से पैसा ले लिया, ठीक है, किसी कंपनी से पैसा उठा लिया, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे पाकिस्तान अब बहुत जल्द उठाने वाला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बाद में, जब उनको ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो दूसरा जो है दोस्तों वो क्या है? इंटरनल सोर्सेस, ठीक है। इंटरनल सोर्सेस में दो चीजें होती है, इंटरनल बोरोइंग और प्रिंटिंग करेंसी। इंटरनल बोरोइंग अगेन क्राउडिंग आउट, आप जनता से पैसा ले सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है प्रिंटिंग करेंसी। क्या होगा? सरकार जाए ट्रेजरी बिल्स रखे, ठीक है, और क्या करे, जो प्रिंटिंग करेंसी है मतलब प्रिंटेड मनी, आरबीआई को बोले कि पैसा दे दो और ऐसा करके नीचे ट्रिकल डाउन कर दे पैसा, फिर क्या बढ़ जाएगा, वापस से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इतने तरीके से आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा ले लो। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ग्रांट्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट बोरिंग, कमर्शियल बोरिंग, और दूसरा खुद ही घर ही घर में, मतलब देश ही देश में इंटरनल बोरिंग कर लो या प्रिंट करेंसी खुद ले लो। इसके अलावा एक और मेजर होता है, इसको बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, मगर ये इकोनॉमी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इसके साथ साथ ये चीज पता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। तो पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूं। देखिए, पहले क्या होता था दोस्त कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारी स्टेट्स हैं ये रेकलेसली मनी बोरो कर लेती थी, किससे? आरबीआई से। क्यों? ताकि डेफिसिट फाइनेंसिंग कर पाए, लोगों का भला कर पाए, ऐसा बोल के, ठीक है। और करते क्या है तो हम सब जानते ही हैं। तो इवन फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट प्रिंटिंग मनी वॉज रिसोर्टेड। अब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए प्रिंटिंग मनी जो है इसको मना किया गया। ये करा गया बाय अ सिस्टम ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। एक्चुअल में क्या है कि ये जो वेज एंड मींस एडवांसेस है दोस्तों, ये पहले शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए प्रिंट मनी करवा के एक ऐसा जरिया बनाया गया था कि सरकार को पैसा दिया जा सके, ठीक है। इसको एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के मतलब वही कि ट्रेजरी बिल्स सरकार रख दे, आरबीआई पैसा दे दे शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि उनको बहुत इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई होगी। तो इस तरीके के जो मेजर को बोला वो बोला वेज एंड मींस एडवांसेस, ठीक है। 1997 में क्या हुआ कि अब आया वेज एंड मींस एडवांसेस के साथ में आरबीआई लेके आया। इसने क्या करा कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स वाला जो ये फंडा चल रहा था ना कि ट्रेजरी बिल्स आई सरकार उसने रखे, आरबीआई से पैसा लिया, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी, रेकलेस एक्सपेंडिचर कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, इकोनॉमी की वाट लगा दी, ठीक है। अब इसको बोला ये सब नहीं चलेगा, और फिर ये लेके आए वेज एंड मींस एडवांसेस, कब? 1997 में। अब इन्होंने क्या करा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो थी वाया WMA, इन्होंने उसमें कुछ प्रोविजंस डाले। देखिए क्या कि ये 90 डेज के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे WMA में उसको चार्ज किया जाएगा रेपो रेट से, ठीक है। इसी के साथ साथ WMA में जो ईयरली लिमिट्स रहेंगी ये म्यूचुअली डिसाइड की जाएगी आरबीआई और गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, और इसी के साथ साथ ये पार्ट नहीं बनेंगी डेफिसिट फाइनेंसिंग की, और साथ ही साथ जो ओवरड्राफ्ट है वो अवेलेबल होगा फॉर एडिशनल 2% इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, राइट, 2% इंटरेस्ट के लिए ये ओवरड्राफ्ट अवेलेबल होगा। तो बेसिकली अब आपको इसमें समझ में क्या आया, कंप्राइज और आपके लिए प्रिसाइसली मैं बताऊं, वेज एंड मींस एडवांसेस में कुछ रेकलेस स्पेंडिंग कम करने के लिए जो कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के द्वारा की जाती थी उसको बंद करने के लिए 1997 में आरबीआई लाती है WMA, जिसमें ये कुछ प्रोविजंस डाल दिए गए ताकि सरकार भी काम कर पाए और ज्यादा रेकलेस स्पेंडिंग न हो। ये तो हमने बात कर ली सेंट्रल के बारे में, बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है। WMA स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट्स में दोस्तों दो टाइप के WMA होते हैं, ध्यान रखिएगा, दो टाइप के, एक स्पेशल और एक नॉर्मल। अब जो सबसे पहला खत्म करने वाला है वो है स्पेशल। सबसे पहले स्पेशल के थ्रू मनी जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगा, मतलब कि ये क्या होगा कि स्टेट सिक्योरिटी रखेगी। देखिए ध्यान से, स्टेट जो है वो सिक्योरिटी रखेगी किसमें? आरबीआई के पास, आरबीआई से पैसा ले लेगी। ये किसमें आया? स्पेशल में। और पहले जो स्टेट को पैसा दिया जाएगा वो इसी मेथड के थ्रू दिया जाएगा। मगर मान लीजिए
कि उनके पास सिक्योरिटी भी रखने के लिए नहीं है, तो फिर आएगा नॉर्मल। और जैसा आप समझ पा रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी रखी है तो क्या है, ये सेफ है, सिक्योरिटी नहीं रखी है तो ये क्या है, अनसिक्योर है। इसी कारण से इन दोनों को चार्ज किससे किया जाता है, दूसरे वाले को नॉर्मल को, बैंक रेट से, ठीक है। और ये जो बैंक रेट है ये बेस होता है 3 साल के कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उस स्टेट के जिसको यहां से लोन चाहिए। तो आई होप आपको अब WM बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बात करते हैं अब कुछ FRBM एक्ट के बारे में, जो आपको अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ये क्या है। नाम से समझ में आ गया होगा दोस्त, खैर आपको, कि किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन बजटरी मैनेजमेंट, और किससे, फिस्कल, तो फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन रखने का काम किया गया। इसके बाद ये शुरू कहां से हुआ, देखिए अगेन हम वेलफेयर सोसाइटी हैं, ईयर ऑफ सोशलिज्म था, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में हमने हमारी फिस्कल डिसिप्लिन, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ाया, ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ हम बढ़े, तो ऑब्वियसली हमारे साथ क्या हुआ, हमारे बैड फिस्कल्स डेवलप हुए। तो प्री 1991 सिचुएशन में क्या था, हमारे पास ट्विन प्रॉब्लम थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी था और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। 1991 में क्या हुआ, हमने कुछ कंडीशनल, जैसा हमने बताया था ना अभी, IMF उनकी कंडीशन लगी, तो हमने कंडीशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, ठीक है, ऑफ IMF स्ट्रेस्ड ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। जैसा अभी हमने बात करी कि उन्होंने बोला कि भैया फिस्कल कंसोलिडेशन अपने कम करो, ये सब नहीं चल पाएगा, कंडीशंस लगाई। पोस्ट 1991 में क्या हुआ कि रोल जो है गवर्नमेंट का ये कम होना शुरू होता है, ठीक है, क्यों कम होना शुरू हुआ, ऑब्वियसली LPG मॉडल, ठीक है, तो फिस्कल डिसिप्लिन जो है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी, हमारे इंप्लीमेंटेशन पार्ट में भी, और फाइनली FRBM एक्ट 2003 हमारी सरकार लेके आती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्त कि FRBM एक्ट 2003 में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एक्ट है दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में जो पार्लियामेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये आगे वाली स्लाइड में जब आएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, कि जो ये एक्ट दोस्त ये बोलता है कि अब पार्लियामेंट के सामने आप बजट डॉक्यूमेंट तो रखोगे, बजट डॉक्यूमेंट के सामने ये 3 तरीके के स्टेटमेंट आपको रखना पड़ेंगे, कैसे, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। अब जब मैं आगे वाली स्लाइड में आपको नीचे डैश करके बताऊंगा ना कि ये देखो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, तो समझ जाना दोस्त कि FRBM एक्ट 2003 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब FRBM एक्ट जो है, इट लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ, ऑब्वियसली इसमें रूल्स बनाए होंगे इस एक्ट में, FRBM रूल्स बनते हैं 2004 में। अब ये रूल्स क्या होते हैं, ये दोस्तों टारगेट सेट कर देते हैं। अब टारगेट किसके लिए सेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्यों, फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन रखो, कितना टारगेट लिया था अभी, 3.3%, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, इसमें रिव्यू की बात बोली गई है, क्वार्टरली रिव्यू होगा ट्रेंड्स का, बोथ रिसिप्ट्स में भी और एक्सपेंडिचर में भी, कि पैसा कहां से ला रहे हो, ऐसा तो नहीं ज्यादा लोन ले रहे हो, एक्सपेंडिचर कहां पे कर रहे हो, ऐसा तो नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, कैपिटल ज्यादा करो, ठीक है। और साथ ही साथ इसने 4 फिस्कल इंडिकेटर्स भी बताए, अगेन दोस्त ये नहीं बताऊंगा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो 4 फिस्कल इंडिकेटर्स बताए, क्या थे 4 फिस्कल इंडिकेटर्स, की दोस्त फिस्कल डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ठीक है, GDP का कितना परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट है, वैसे ही GDP का कितना परसेंटेज रेवेन्यू डेफिसिट है, वैसे ही कितने परसेंटेज ऑफ GDP का टैक्स रेवेन्यू आ रहा है आपके पास, और चौथा कितने परसेंटेज ऑफ GDP से आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, पैसे की देनदारी, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ये सब आपको बताएगी। अब इसके कुछ टारगेट्स पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि जैसे फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट टू बी रिड्यूस, अब जैसा हमने बताया रूल्स कब बने, 2004 में, एक्ट कब आया 2003 में, तो फिस्कल डेफिसिट आपको कम करना है 2004-5 से, ऐसा बोला गया था, और रिड्यूस करना है 3% तक बाय 2009, मगर इसको कभी भी अधर नहीं किया गया। अगेन आंसर वही है, वेलफेयर सोसाइटी, लोगों का ज्यादा भला करना है, पैसा ज्यादा उठाओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग करो, लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है, ये हम पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट से दोस्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट आप ऐसे ही मान सकते हो कि आप इंटरेस्ट भर रहे हो सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद में 2007 में क्या होता है दोस्तों, टारगेट जो है, टारगेट डेट्स ये पोस्टपोन की जाती हैं। क्यों? इसका आंसर अगर आपको नहीं पता तो आप इसको जरूर एक सेकंड के लिए सोचो पॉज करके मेरे बताने के पहले। जीएफसी आंसर लिखा हुआ है, क्या मतलब होना चाहिए जीएफसी का? ठीक है, यस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, 2009 में टारगेट डेट जो है वो सस्पेंड कर दी गई। ये थोड़ी सी इंसाइट्स थी आपके फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स के लिए। बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मार्केट लायबिलिटीज है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मार्केट लायबिलिटीज, दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोवाइड गारंटीज, ऐसा बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दे शुड नॉट प्रोवाइड गारंटीज इन एक्सेस ऑफ 0.5% ऑफ जीडीपी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा गारंटी ले सकती है स्टेट्स के लिए भी, आपको पता होना चाहिए चीज, तो इनको ऐसा बोला गया कि 0.5% ऑफ जीडीपी जो है इससे ज्यादा की आप गारंटी मत लो, ताकि स्टेट ज्यादा पैसा उठा के नीचे खर्च ना करें, फिस्कल डेफिसिट को टारगेट में रखो। हम आगे चल के स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो सेंटर का है और स्टेट का है वो कितना है। ठीक है, उसी के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसा बोला गया कि दोस्त दे शुड नॉट अज्यूम एडिशनल लायबिलिटीज इन एक्सेस ऑफ 9% ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2004 एंड 5, एंड प्रोग्रेसिव लिमिट रिडक्शन ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट को भी आप कम करते जाओ बाय एटलीस्ट 1% ऑफ जीडीपी हर सब्सिक्वेंट ईयर, हर नेक्स्ट ईयर पे। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात क्या चल रही है, प्रोवाइड गारंटीज, ठीक है, और यहां पे क्या बात चल रही है, शुड नॉट अज्यूम एडिशनल लायबिलिटीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि यहां पे क्या बात चल रही है दोस्त, प्रोवाइड करने की गारंटी, और यहां पे क्या चल रही है, अज्यूम खुद से ले लेना एडिशनल लायबिलिटीज। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं पॉइंट पे, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई शुड नॉट सब्सक्राइब टू प्राइमरी इश्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ईयर 2006-07। मतलब कि जो आरबीआई है उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज है उसमें दूर रहना चाहिए। उसी के बाद में एफआरबीएम एक्ट जो है ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना चाहिए आरबीआई से, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ मींस एंड एडवांसेस, जो हमने पहले पढ़ा था, इस कारण से आपको वेज एंड मींस एडवांसेस पता होने चाहिए थे। और ये क्यों करते हैं, उसी का जवाब लिया हुआ है, टू मीट टेम्पररी एक्सेस ऑफ कैश डिसबर्समेंट ओवर कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट से ज्यादा पैसा आने से ज्यादा आपको खर्च करना पड़े, आपके पास पैसा ना हो, आपको पैसा चाहिए हो, तो वेज एंड मींस एडवांसेस से लो, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से, और जो एडहॉक तरीके से आप पैसा लेते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, वो नहीं करना चाहिए, ये बात बोली है। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मत लो, ऐसा भी नहीं है एक्सीड मत करो, ऐसा भी नहीं है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मत करो, आप एक्सीड कर सकते हो, यू मे एक्सीड बोथ इन द रेवेन्यू एंड फिस्कल पार्ट एंड इंक्रीज द डेफिसिट, मगर जो आपके टारगेट्स हैं उसमें फिर स्पेसिफाई होना चाहिए जो रूल्स हैं या जो ग्राउंड्स हैं। कैसे? आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, कोई नेशनल कैलामिटी आ गई आपके देश में, जैसे कि आज भी एक नेशनल कैलामिटी है, बताइए क्या, आज जो स्लो डाउन आया हुआ है। ठीक है, साथ ही कुछ एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, हालांकि स्लो डाउन कोई कैलामिटी नहीं है, इसको आप एक्सेप्शनल ग्राउंड्स में ही देखिएगा, मगर क्योंकि इकोनॉमिकली तो कैलामिटी ही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे, तो इस तरीके के एक्सेप्शंस में इनको बोला कि दोस्त एक्सेप्शंस हैं, आप बढ़ सकते हो आगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हो। फिर कुछ चेंजेस करे गए एफआरबीएम एक्ट में, कैसे, जो 2009 आया तो टारगेट डेट सस्पेंड कर दिए, तो ऊपर ही बताया था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट लाया गया 2011 में, इसी कारण से दोस्त आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ठीक है, 2013 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर दिया गया बाय मार्च 2015, और टारगेट सेट किया गया फिस्कल डेफिसिट को 3% पे लाने का बाय मार्च 2017, और आज फिनांस एक्ट 2015 के हिसाब से जो टारगेट डेट्स हैं टू अचीव द प्रिस्क्राइब डेट्स ऑफ इफेक्टिव डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 2018 तक। ये कब हुआ था? फिनांस एक्ट 2015 के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें एफआरबीएम एक्ट के बारे में थी। अब क्योंकि आपने एफआरबीएम एक्ट पढ़ा तो आपको एनके सिंह कमेटी तो पता होना ही चाहिए। एनके सिंह कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन मई 2016, जिसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी जनवरी 2017 में। इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी?
जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था, डेट टू जीडीपी क्या बोलती है, 60% पे लाओ। कैसे? 40 सेंटर करे, 20 स्टेट्स करे। कब तक अचीव करना है? बाय 2023। ठीक है, इस कमिटी ने बेसिकली क्या क्या चीजें सजेस्ट करी थी, बेसिकली सजेस्ट करा था दोस्तों डेट कितना होना चाहिए, और डेट को ही इन्होंने बनाया था अपना प्राइमरी टारगेट, जिससे कि ये फिस्कल पॉलिसी सेट करने की बात करी थी। बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, जो एनके सिंह कमिटी ने बात बोली, इन्होंने बोला था कि 2.5% तक लाओ दोस्त 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है दोस्त, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसके पॉइंट याद रखिएगा, कहीं पे भी इसका पॉइंट मेंशन हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट बोला कि रिड्यूस करो 2.5% तक बाय 2023। साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बोला 0.8% पे लाओ बाय 2023। इसी के साथ साथ एक फिस्कल काउंसिल जो है, एक ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल, जो कि सरकार से अलग एक थिंक टैंक की तरह काम करे आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए, एक ऑटोनोमस, जिनका कि चेयरपर्सन और दो मेंबर हो, हालांकि इनको अपॉइंट सेंटर ही करे, क्योंकि सेंटर के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते ना दोस्त इस तरीके से। ठीक है, उसी के बाद में डेविएशन और द एस्केप क्लॉज। देखिए, हर जगह एस्केप क्लॉज देना जरूरी होता है, इन्होंने भी दिया। उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल काउंसिल जो है, क्योंकि ऑटोनोमस बनाने की बात चली तो इससे भी डेविएट हो सकती है, उसके एडवाइस से डेविएट हो सकती है। कैसे? अगेन वही पॉइंट्स, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, वॉर का मुद्दा हो, नेशनल कैलामिटी हो, कोलैप्स हो जाए आपका एग्रीकल्चर, अफेक्टिंग आउटपुट एंड इनकम्स, इन तरीकों से अगर ये चीज हो जाती है तो आप बिल्कुल डेविएट कर जाओ। अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हो आपकी इकोनॉमी में, जो कि फिस्कल इंप्लीकेशंस ला रहे हैं कुछ, इसके लिए आप एस्केप रूट है। ठीक है, आपका अगर रियल आउटपुट ग्रोथ जो है डिक्लाइन हो गया है ऑफ एटलीस्ट 3% बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 quarters, जैसे कि आज हो रहा है, तो आप डेविएट कर सकते हो। क्योंकि क्यों? पंपिंग करना पड़ेगा ना दोस्त पैसा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर जाना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मगर उसके बाद भी इन्होंने बोला कि डेविएट करो, मगर डेविएशन 0.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात पड़ी थी अगर आपको याद हो तो पिछली वाली स्लाइड में, 0.5% ऑफ जीडीपी कहां पड़ी थी, कि जो लाइबिलिटीज होती है गारंटीज वो न ले सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये 0.5% ऑफ जीडीपी उस 0.5% से अलग है। ठीक है, अगर आपको याद हो, 2-3 स्लाइड पहले ही पड़ी थी। फिर आता है बॉयंसी क्लॉज, ये एस्केप क्लॉज का अपोजिट था, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हायर है तो, क्योंकि आपने एस्केप क्लॉज तो दे दिया कि बुरी कंडीशन जब चल रही है तो एस्केप क्लॉज है, मगर जब अलग अच्छी कंडीशन चल रही है तो भी फिर कुछ चीज होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक एस्केप क्लॉज है, कि जब अच्छी, बॉयंट मतलब होता है दोस्त ऊपर उठना। ठीक है, एक बॉयंट फोर्स होता है, क्योंकि जब आप किसी बॉल को पानी में डुबा देते हो ना तो वो ऊपर उठता है, इस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो फिस्कल डेफिसिट को और ज्यादा कम करो, ऐसा बोला गया अकॉर्डिंगली, क्योंकि दोनों में चीजें होनी चाहिए। और अब आ गया आपका इकोनॉमिक सर्वे, अब आपने जितना भी बेसिक स्टैट्स पढ़ा अब ये आपको हेल्प करेगा। देखिए, ये आ गया आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। अब अगर आपने वो चीज स्लाइड समझ ली होगी तो आपको तो इसके अलावा और भी दो तरीके के स्टेटमेंट पता है, आपको तो ये भी पता है कि ये बजट एस्टिमेट या बजट में कैसे आता है, आपको ये भी पता है कि FRBM में कैसे इंक्लूडेड है, और आपको ये भी पता है कि किसने ये चीज बोली थी तीनों पेश करने की और किसके साथ बोली थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, साथ ही साथ आपको पता है रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होते हैं और बजट एस्टिमेट्स क्या होते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको बस शांति से बैठ के देखना है कैसे, कि फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया 2019-20 में 3.8 था, बजट एस्टिमेट 2020-21 में कितना हुआ 3.5 हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट या फिगर देख सकते हो, प्राइमरी डेफिसिट के या फिगर देख सकते हो, क्योंकि आपको फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ये सब पता है। साथ ही साथ आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू पता है, ग्रॉस मतलब टोटल नेट टैक्स रेवेन्यू पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। साथ ही साथ आपको EBR भी पता है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, जिसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में डील किया था। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा, ये आप देख सकते हो, इनके प्रोजेक्शंस देख सकते हो 2021-2022 और साथ ही 2022 और 2023 में क्या क्या प्रोजेक्शंस है। हो गया आसान, इस तरीके से आपको ये चीज पढ़नी थी। तो अब इसका मैं सीधा आपको कंक्लूजन बताता हूं, जो इकोनॉमिक सर्वे का एक ग्राफ है दोस्त। जो न्यू लिबरल आज का एरा है, यहां पे हम जानते हैं कि हमारे मोदी जी बार बार क्या बोलते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या है, आज रिस्ट्रिक्टेड है।
आज हम मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाने जा रहे हैं, ठीक है, मगर उसके बाद भी जो बजटरी डेफिसिट है वो इनएविटेबल है, क्योंकि अब दोस्तों मैं बार बार बता चुका हूं वेलफेयर सोसाइटी है, लोगों के लिए काम करना ही पड़ेगा, बजटरी डेफिसिट पे जाना ही पड़ेगा, इस कारण से इनएविटेबल है। इसी कारण से जो टारगेट्स है उसको आप ऐसे सेट करिए जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ जो आपके टारगेट्स हैं उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, कुछ रेंज रखिए, जैसे अगर कभी आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कोई काउंटर साइक्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं तो आप उनसे निपट सकें। बेसिकली इन चीजों पे बात की थी। और ये रहा आपका दूसरा ग्राफ इकोनॉमिक सर्वे का। ध्यान से देखो दोस्त कि यहां पे क्या बात चल रही है, यहां पे आपको चार ग्राफ दिखाए जा रहे हैं, क्या, एक तो फिस्कल डेफिसिट के, देखो फिस्कल डेफिसिट का ग्राफ कहां दिया है, ये ग्रीन में 3.4, 3.3, 3, अगेन 3, हालांकि अभी बढ़ गया है कुछ टाइम से, उसको बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कम हो रहा है लगातार। दूसरा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट आई होप आपको पता होगा, देखिए यहां पे कैसा चल रहा है। अब ये आपका सवाल होगा कि जीरो कैसे हो गया, यही सवाल आ रहा है आपका कि प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट आपने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों बेसिकली इससे आप ये समझ सकते हो कि जो हमारी सरकार है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, फिस्कल डेफिसिट माइनस जो आप लाइबिलिटीज होती हैं जो सरकार देती है, पिछले वाले स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा था। तो जीरो होने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसका मतलब क्या है दोस्त कि अब जो गवर्नमेंट लोन ले रही है ना इंटरेस्ट लाइबिलिटीज पूरे करने के, वो पिछले इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए ही ले रही है। इस कारण से ये चीज जीरो बता के सरकार हमको ये बताना चाहती है कि हम जो भी अब लोन लेंगे वो पुरानी इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को भरने के लिए ले रहे हैं, इस कारण से हमने यहां पे क्या रख दिया है, जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या छूट गया इसमें से, ग्रीन हो गया, ये हो गया, उसके बाद में प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट कहां जा रहा है, आ रहा है नीचे बराबर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट देखिए आ रही नीचे, 48.4, 48, 46.2 और 44.4, यही बोला था एनके सिंह कमेटी ने, देखिए उसकी बात मान ली हमने। अब जो सर्वे है दोस्तों, इस सर्वे की बात करते हैं, जो सर्वे है ये बात क्या करता है, इट बिगिंस विद डिस्कशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं कुछ साल से, फॉलोड बाय द एनालिसिस ऑफ फिस्कल परफॉर्मेंस, हमारा फिस्कल परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, कुछ डाटा दे के। ये डाटा किसने निकाला है दोस्तों, देखिए ये बहुत आम गलती है, यहां पे कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल नहीं लिखा है, ठीक है। ये जो डाटा है ये रिलीज किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों इस वाले पार्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, स्टे ट्यून्ड विथ मी, इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।